वेलकम टू द चैनल रेलिश एंड गॉबल। आज हम बना रहे हैं फोकासिया ब्रेड। फोकासिया ब्रेड एक फेमस इटालियन ब्रेड है जो कि बहुत ही कम सामान और आसानी से बन जाता है। इस ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप गुनगुना पानी लेकर उसमें एक चम्मच ड्राई ईस्ट, एक चम्मच चीनी, इन्हें मिलाकर ईस्ट को एक्टिवेट कर ले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी या रवा, 1 चम्मच नमक। अब इसे अच्छी तरह मिला लें। अगर पानी कम हो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हुए एक नरम और ढीला आटा हम गूंद लेंगे। आटा गूंदते वक्त ध्यान रखें ये ज़्यादा सख्त ना हो। अब इसमें डालें 2 चम्मच जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। इसे अच्छी तरह मिलाते हुए आटे को हल्का गूंद लें। अब इसे हम ऊपर से तेल लगा लेंगे और ये जब तक साइज में डबल ना हो जाए तब तक या फिर 1 घंटे के लिए इसे ढककर रख देंगे। 1 घंटे बाद ये साइज में डबल हो जाएगा। अब टेबल टॉप पर थोड़ा सा मैदा छिड़के और आटे को इस पर ले लें। अब डो को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसका एक टाइट ब्रेड डो बना लें। इसके बाद एक एल्युमिनियम ट्रे में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और ऊपर से थोड़ा मैदा छिड़क लेंगे ताकि ब्रेड बनने के बाद इसमें ना चिपके। अब ये ब्रेड डो ट्रे में ले लें और इसे हाथों से फैलाते हुए चपटा कर लें। अब इस डो में हम उंगलियों से छेद कर लेंगे और इन छेदों में हम ऑयल वाटर मिक्सचर बनाकर डालेंगे। ऑयल वाटर मिक्सचर बनाने के लिए 1/4 कप पानी में 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब ये मिक्सचर बनाए हुए छेदों में भर लेंगे। अब आप इस ब्रेड को अपने टेस्ट अनुसार सजा लें, जैसे कि प्याज, ब्लैक ऑलिव्स, टमाटर, बारीक कटा हुआ लहसुन, धनिया। आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड सकते हैं और अपनी कोई भी पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब इस सजाए हुए ब्रेड को हम 40 मिनट के लिए फिर से प्रूफिंग के लिए, मतलब फूलने के लिए रख देंगे। 40 मिनट बाद ये ब्रेड बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस पर स्प्रिंकल करें रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी ओरिगेनो पाउडर। ओरिगेनो पाउडर ऑप्शनल है। फिर से एक बार उंगलियों से दबाकर इनमें ऑयल वाटर मिक्सचर डालें। और ऊपर से थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर लें। अब इस ब्रेड को प्रीहीटेड ओवन में 25 मिनट के लिए बेक करें और अगर आपके पास ओवन ना हो तो इसे मोटे तले की कढ़ाई में 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लें। बेक होने के बाद इसे 10 मिनट ठंडा कर लें और फिर निकाल लें। ये ब्रेड बहुत ही अच्छी तरह पका हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे एयर पॉकेट्स भी बने हैं। एक अच्छा फोकाशिया ब्रेड ग्रेनी, मतलब दानेदार और सॉफ्ट होता है। तो ये थी फोकाशिया ब्रेड की आसान सी रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।